जय हिंद। भारत के एजुकेशन माफिया का नंगा सच। बहुत बड़ी दम चाहिए दोस्त जिनसे लड़ने जा रहे हैं, और वो है भारत का एजुकेशन माफिया। इंडियन एजुकेशन माफिया एक बहुत बड़ा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट एक बुरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल के रखी है ना, इस माफिया से बात करने जा रहा हूँ, इनको ओपन चैलेंज करने जा रहा हूँ। मालूम है क्यों बड़े हैं और क्यों पावरफुल है? क्योंकि इनके हाथ में नेता, आपके मंत्री संतरी, बिल्डर्स, लॉयर्स, सब इनके पेरेंट्स और सब इनके अंडर में होते हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, बहुत बड़े बड़े। लेकिन सुनो, मुझे भी कोई दुश्मनी पर्सनल लेने का शौक नहीं था, लेकिन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है ना इनके हाथ में है, और ये माफिया जो है इनसे किसी को तो भिड़ना पड़ेगा। आज तक तो किसी ने इसकी बात नहीं की, लेकिन आज मैं इनका नंगा सच खोलने जा रहा हूँ। चलो इनके नंगे सच की बात करते हैं, एक वो सच्चाई। इनको पहली बात तो इनको चैलेंज है, और इनके उन सच की बात करते हैं जो आज तक किसी ने बात नहीं की। क्यों भारत के स्कूल कॉलेजेस में इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, ढंग का इतिहास? मेरे कुछ सवाल हैं जो अगर आपको लगता है, एज अ पेरेंट की बात करूं या एज एक देशवासी, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर अगर आपको ये लगे, तो ये बात बहुत गौर करने वाली है। क्यों एजुकेशन सिस्टम में स्वाभिमान नहीं दिया जाता है? क्यों हिंदू मुस्लिम एकता नहीं पढ़ाई जाती है? क्यों इंटेग्रिटी की बात नहीं की जाती है? क्यों हमें सिर्फ गधा बनाया जा रहा है? क्यों अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है पेरेंट्स को? क्यों एजुकेशन सिस्टम में उन टीचर्स का क्यों उतना कड़ा सलूशन नहीं होता जिनके भरोसे पर हम पूरा देश का भविष्य उनके हाथ में दे रहे हैं? क्यों कभी ये बात नहीं होती जब फीस बढ़ाई जाती है? क्यों ऐसे टॉपिक्स को मार दिया जाता है पैसा दे दे के, जब किसी बच्चे की सिक्योरिटी पर बात आती है? अभी बच्चे का अपहरण हो जाता है, बच्चे वहां पर बच्चे की हत्या की जाती है स्कूल में, क्यों ऐसे टॉपिक्स दबा दिए जाते हैं? क्यों इन एजुकेशन माफिया के सामने कोई मंत्री संतरी, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई इनसे क्यों सवाल नहीं करता है? क्यों पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स की जाती है जब पेरेंट्स की कोई बात ही नहीं सुनना है? क्यों परिवार को एजुकेशन में छोटा किया जा रहा है? छोटा मतलब, पहले जब हम लोग छोटे थे हमें ध्यान है कि पूरा परिवार दिखाया जाता, दादा दादी, पिताजी लोग, तीन भाई या दो भाई, उसके बाद माता जी, चाची, फिर बच्चे और सब पूरा परिवार। आज देखो माता पिताजी और सिर्फ एक बच्चा। ये क्यों ऐसा बचाया जा रहा है? क्यों परिवार तोड़ने की बात की जा रही है? क्यों एक्टिविटीज टीचर्स जो होते हैं उनको जूनियर क्लासेस की एजुकेशन में लगा दिया जाता है? क्यों एनुअल स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स डे के सेलिब्रेशन के नाम पे धंधा चलाया जा रहा है? क्यों जब चाहते हैं मनमर्जी से फीस बढ़ जाती है और कोई उस पर सवाल नहीं करता है? क्यों ऐसा इनकी दादागिरी चल रही है? क्यों हमें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है? आपको पता है एजुकेशन सिस्टम कब बना था? अंग्रेजों ने 3 लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया था। वो क्यों बना था? क्लर्क्स के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और तीसरा था कि आप बस सुनते रहो, मतलब लेबर क्लास के लिए। छोटा मोटा एजुकेशन पढ़ लो, अपना साइन करते आ जाओ, बस साइन कर दो, तुम अपना दिमाग नहीं चलाओ। आविष्कार करने पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? क्यों एजुकेशन सिस्टम स्लेवरी की तरफ ले जा रहा है, गुलामी की तरफ ले जा रहा है कि बस बेटा तुम तो पढ़ लो? क्यों हमारे साथ सिर्फ मार्क्स पर ध्यान दिया जाता है? और क्यों ये माफिया जो प्राइवेट एजुकेशन का एक पूरा बहुत बड़ा माफिया है, बिल्डर्स, नेता, सब चला रहे हैं इसको दुकानें, क्यों मिलकर ये नहीं सोचते कि भारत के स्वाभिमान के लिए? क्यों बच्चों को स्वाभिमान नहीं दिया जा रहा है? क्यों बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है? क्यों बच्चों को एलन ट्यूरिंग के बारे में, न्यूटन के बारे में और बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है? क्यों उन्हीं बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और क्रांतिकारी, 7,20,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने जान दी है? क्यों इन बच्चों को, अलग अलग राज्यों के भी अगर तुम इनको हीरो बताते हो, क्यों इन बच्चों को और क्यों इस देश में इन लोगों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? क्यों एजुकेशन सिस्टम पे कोई बात नहीं करता है? क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया, सब डरते हैं और सब एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स, इसलिए डर लगता है हम कुछ बोलेंगे हमारे बच्चों के भविष्य में प्रॉब्लम होगी। क्यों लेकिन ऐसा? क्यों कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता? क्यों कोई नेता, क्यों इलेक्शन के एजेंडा में एजुकेशन नहीं आता? क्यों बहुत सारे स्कूल जो स्मॉल टाउन्स में प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ना उनके पास ग्राउंड है, ना लेबोरेटरी है, ना उनके पास म्यूजिक क्लासेस, ना कंप्यूटर लैब्स हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे साल भर की फीस लेते हैं? क्यों एक्टिविटीज टीचर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, स्पोर्ट्स टीचर को, म्यूजिक टीचर को, पीई एजुकेशन टीचर को? क्यों हमारे इधर इंपॉर्टेंस नहीं मिलता? उनकी तनख्वाह क्यों कम है दूसरे टीचर से? या सिर्फ जो एजुकेशन में जो मैथ्स टीचर है उनकी क्यों इतनी वैल्यू कर दी जाती है? एक को प्राचार्य बनने के लिए, प्रिंसिपल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? एक टीचर सिलेक्शन के लिए प्रोसेस क्या है? क्यों उस पर कोई बात नहीं होती है? क्यों मेंटल, फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है? मालूम है यार, समझते हैं धंधा है पर गंदा तो मत बनाओ कम से कम इसको। क्यों मॉरल वैल्यूज के चैप्टर्स कम करे जा रहे हैं? क्यों मॉरल वैल्यूज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? समाज में क्या रोबोट्स पैदा करना है? आप सिर्फ इतना बनाना चाहते हो कि बच्चे एक डिग्री ले लें। आपको पता है 87% यूथ इंडिया का जो है, 16-17 का एक सर्वे आया है, 18 का भी बस आने वाला है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयबल है, उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, एजुकेटेड है, उनके पास डिग्रियां हैं। आपको पता है हिंदुस्तान सिर्फ इकलौता ऐसा देश है जहां पर
सात बड़े बड़े कंट्रीज को आप मिला लो ना, उतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं करता जितना सिर्फ इंडिया में इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अबे क्यों बच्चों को नवाब बना रहा है? स्पोर्ट्स में पता है कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, लेकिन जो ओलंपिक्स में एक मेडल आता है ना, जो हरियाणा जैसे पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान के जो बच्चे ला रहे हैं, वो पढ़ाई करके नहीं, वो खेल के ला रहे हैं। लेकिन जो स्वाभिमान है ना, जब आप जीतते हो एक ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल, आपके पीछे एक तिरंगा फहराता है और एक स्वाभिमान के साथ वो वहां पर तिरंगे के साथ राष्ट्रगीत बजता है। क्यों वो स्वाभिमान नहीं दिया जाता है? ठीक है, एक बच्चा मान लीजिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चा प्रणाम बोलता है पैर पड़ता है तो उसको चापलूस क्यों समझा जाता है? एक बच्चा अगर जय हिंद बोलता है अपने स्कूल के सिस्टम में या टीचर से, तो टीचर उसको मना क्यों करते हैं? वो ये क्यों बोलते हैं कि नो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन? अबे जय हिंद से बड़ा हो गया तुम्हारा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये क्यों क्यों अंग्रेजियत की तरफ ले जाया जा रहा है? I would not have a problem and I would have spoken and I would have done the entire topic in English. But the thing is that I must have the pride in my mother tongue or my language or my national language. बट वही बात है ना कि नहीं तुम हिंदी में बोलोगे, बात हिंदी और अंग्रेजी, आविष्कार जो होता है ना वो भाषा का मोहताज नहीं होता है। आविष्कार के लिए क्यों बच्चों को प्रेरित नहीं किया जा रहा है? क्यों? एक बात याद रखना, मछली को तुम पेड़ पे चढ़ना सिखा रहे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनमें क्वालिटी हो कि वो तैरना बहुत अच्छा जानते हैं, हो सकता है उनको मैथ समझ में नहीं आता, साइंस समझ में नहीं आता, नहीं, लेकिन जब कोई मूवी में देखेंगे बोलेंगे नहीं सही है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम से क्यों ये सवाल नहीं किया जाता है? पेरेंट्स क्यों अपनी नपुंसकता दिखाते हैं? सिस्टम क्यों अपनी नपुंसकता दिखा रहा है? एक दिन अगर सिस्टम चाह ले, पूरे मंत्री चाह ले और एक लॉ बन जाए, इनकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या सबका हिस्सा है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? क्यों बच्चों को न्यूटन एलन ट्यूरिंग के बारे में, क्यों साइंटिस्ट अंग्रेजों के ब्रांड्स के बारे में बताया जाता है, आर्यभट्ट चाणक्य के बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, क्यों क्रांतिकारियों के बारे में नहीं बताया जाता है? क्या आपको अभिमान नहीं है? क्या उन लोगों की कोई कीमत नहीं? क्यों हमारे इधर जो शहादतें होती हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन अमेरिका में लंदन में कुछ हो जाएगा तो उसके बारे में बड़ा चुटकुले लेके बड़े अच्छे से बताया जाता है कि अरे आपको पता है? अब बच्चों को ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, आईफा अवार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। क्यों बच्चों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र के बारे में नहीं बताया जाता, अशोक चक्र के बारे में नहीं बताया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है? कितने बच्चे होंगे जिनको पूरे ओलंपियंस के नाम पता होंगे? क्यों एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं बताया जा रहा है? ये कुछ तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं और कुछ ऐसे टीचर्स हैं, मैंने पढ़ाया देखा है सुना है, जो तो क्रांतिकारियों को आतंकवादी बनाते हैं। क्यों इस एजुकेशन से सवाल नहीं किए जाते हैं? क्यों फीस लो लेकिन जिस भरोसे पे, आपको पता है आपका कितना बड़ा काम है? क्यों ये सवाल नहीं किया जाता कि जो पेरेंट्स अपने रिश्तेदार के पास भी अपने बच्चे को 5 मिनट नहीं छोड़ते हैं आजकल, लेकिन वो टीचर्स के पास स्कूल में 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ के आते हैं, क्यों ये सवाल नहीं किया जाता कि साहब आप, हम आपके पास क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्यों वो जो एक आदमी अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई देता है स्कूल से, क्यों उसको ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि स्कूल के मैनेजमेंट से मिल सके या उनसे बात करे? ऐसी तानाशाही है कि प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते? एक मिनट, आपको तनख्वाह मिलती है ना तो उन्हीं पेरेंट्स के नाम पे मिलती है, लेकिन ऐसी कैसी तानाशाही है? क्यों इसके लिए कोई सवाल नहीं करता है? क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, क्यों चाणक्य, आर्यभट्ट के बारे में, जिनके बारे यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन उन पर रिसर्च करके उनके बारे में पढ़ाती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, लेकिन हमारे महाविद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों सिर्फ उन्हीं बच्चों को अप्रिसिएशन दिया जाता है एजुकेशन माफिया के द्वारा जो उनके लिए फोटो छपवा सकते हैं पेपर में और ब्रांडिंग में होर्डिंग में आ सकते हैं? क्यों क्यों उन बच्चों के लिए कोई नहीं सुनता जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो आर्ट में अच्छे हैं? एक जिसको आर्टिस्ट बनना है ना, उसको आप किसी भी बंदिश में रख लो, वो आर्टिस्ट ही बनेगा, लेकिन क्या ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है? और ये टीचर्स अगर नहीं पहचान पा रहे तो क्या ये टीचर्स का फेलियर है कि बच्चों का? कि उस बच्चे को हो सकता है मैथ्स केमिस्ट्री साइंस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है वही बच्चा आर्ट में अच्छा हो। क्यों उस बच्चे को निखारने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है स्कूल और क्यों उससे कोई सवाल नहीं कर रहा है? उदाहरण के तौर पर ये फेलियर कैसे, हम श्रवण संस्कृति से आते हैं, हमारा देश जो है वो सुनकर सीखने वालों में से था। सबसे पहले उदाहरण देता हूं, कैसे एक मुस्लिम का बच्चा नमाज सीख लेता बगैर स्कूल जाए, पहले कैसे सीख लिया करता था, आज भी सीखते हैं। दूसरा, कैसे एक ब्राह्मण के घर का बच्चा, एक पंडित के घर का बच्चा कैसे सुन सुन के मंत्र सीख लिया करता था, कैसे क्रिश्चियन का बच्चा प्रेयर सीख लिया करता था, और कैसे एक गुरुद्वारे में जाने वाला एक गुरुवाणी सुनकर कैसे उन अरदासों को सीख लिया करता था बच्चा। इसका मतलब है जब वो लोग बगैर पढ़े लिखे होकर भी सुना सुना कर सिखा सकते थे,
थे, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का फेलियर, इस पर सवाल लेकिन क्यों नहीं होता? क्यों कोई सवाल नहीं करता? बच्चों को रोबोट्स मत बनाइए स्कूल्स कॉलेजेस वालों, आप उन बच्चों को ज्ञानी क्यों नहीं बना रहे, उनको ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? क्यों टीचर्स जो इस देश की, मुझे जो लगता है चाहे यहाँ इस देश में जो राष्ट्रपति बन के बैठे होंगे, प्रधानमंत्री बन के बैठे होंगे, चाहे एक IAS सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होंगे, चाहे आर्मी ऑफिसर्स होंगे, चाहे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, कॉर्पोरेट्स वाले होंगे, ये सब बनाने वाला कौन है? वो टीचर। क्यों टीचर्स का फिजिकल मेंटल इमोशनल टेस्ट बगैर करे, प्रॉपर उनकी स्थिति देखे हुए, उनकी मानसिक स्थिति देखे हुए उनको कैसे टीचर बनने दिया जाता है, उनको कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, और वो सिलेक्शन प्रोसेस क्यों इतना कड़ा नहीं किया जाता है जिससे हम अच्छे टीचर्स चुन के लाए, जिसके कारण, और उन टीचर्स को एक बात, ये सबसे बड़ा काम करते हैं इस देश का, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी कम क्यों है? टीचर्स के नाम पे आप ब्रांड कमा लेते हो, नाम कमा लेते हो, फोटो वीडियो बना लेते हो, और उन टीचर्स को सबसे कम तनख्वाह दी जाती है, और माफिया के जेब में, जो एजुकेशन माफिया है उनके जेब में पैसा जाता है। क्यों ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हिंदुस्तान में टीचर्स का मतलब ये हो गया है कि अगर आप कुछ कर पाए, मान लो सिविल सर्विसेज कर पाए, आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन कर पाए, या फिर डॉक्टर इंजीनियर कुछ कर पाए, कोई बहुत बड़ा काम कर पाए तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो एक काम करो टीचर्स ज्वाइन कर लो। यार ये गुरु जो है ना, गुरु घंटाल हो गए आधे से ज्यादा, तो सबसे बड़ी चीज है ये सवाल क्यों नहीं है? इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन उस सिलेक्शन प्रोसेस को बनाया क्यों नहीं जाता है? सबसे बड़ा मुद्दा ये, मुझे पता है यार कि मैं बहुत बड़ा टॉपिक कर रहा हूं, एक बहुत बड़े भारत के माफिया से लड़ रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन कौन करेगा? फिर दो तीन और बड़े ऐसी चीजें जिस पर सॉल्यूशन पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और समझ लें, क्यों गवर्नमेंट एक रूल फॉर्मेट नहीं करती है? क्यों सरकार जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्या इनका भी इसमें कुछ लेना देना है? मुझे पता है मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, क्यों फिर एजुकेशन रिफॉर्म नहीं की जा रही है? क्यों एजुकेशन के लिए एक लॉ नहीं बनाया जा रहा है? क्यों इस माफिया से लड़ने की हिम्मत नहीं है? ऐसा है सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स बैठे हैं वहां पर, ऐसा है पूरी एक ब्यूरोक्रेसी बैठी, ये पॉलिटिकल विल की बात है। आप आदेश देके तो देखिए, पर खच्चे उड़ा देंगे अगर एक दिन में एक SDM साहब चाह लेंगे ना, पूरे सिस्टम को, पूरे स्कूल कॉलेजेस को एक लाइन में खड़ा करके सही से समझा देंगे और पूरा एजुकेशन सिस्टम समझ जाएगा। लेकिन क्यों, एक सीधी सी बात बताइए, क्यों एजेंडे की हम बात करते हैं? पॉलिटिकल एजेंडे में आप देखिए तीन सबसे बड़े मुद्दों पर बात की जाती है, पहला हिंदू मुस्लिम पे बात की जाएगी, दूसरा जो है वो किसानों के लिए बात की जा रही है, तीसरा जो है रोजगार के लिए बात की जा रही है। इन सब का बेस क्या है? किसान को कर्ज लेना नहीं पड़ेगा अगर वो पढ़ा लिखा होगा या उसके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, आत्महत्याओं से बच जाएंगे। दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात है ना, वो अगर स्कूल में ही आप सिखा देंगे तो देश में सामंजस्य रहेगा, देश में लोग मिलकर रहेंगे, प्यार से रहेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। तीसरा आप एजुकेशन के एजेंडे को क्यों नहीं लाते? क्यों एजुकेशन को हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में नहीं मेंशन किया जा रहा है? ऐसा है, मैं एक राज्य में अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य जो नए, मैंने देखा उनने गवर्नमेंट स्कूल सुधार दिया, आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट, उनने गवर्नमेंट स्कूल की पॉलिसी चेंज कर दी, बहुत अच्छा माहौल कर दिया, बहुत अच्छे स्कूल्स को, नियत की बात होती है, क्या नियत में खोट है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबल एजुकेशन सिस्टम में करप्शन के लिए और एजुकेशन सिस्टम को इतना बर्बाद करने के लिए, इस माफिया के हाथों की कठपुतली बनने के लिए अकाउंटेबल क्यों है? क्या एक बार आप हिम्मत नहीं कर सकते हो? एक बार आप वोट मत दीजिए सबके साथ, अगर वोट कम मत दीजिए जब, अगर आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही, इस एजुकेशन माफिया से आपको छुटकारा नहीं मिलता है, मुझे लगता है आपको वोट नहीं देना चाहिए। क्यों एक पूरा राष्ट्र बायकॉट नहीं कर सकता? सब सुधर जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है ना दोस्त। हम लोग क्या करते हैं, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, नहीं दोस्त, किसी ना किसी को खड़ा होकर कुर्बानी के लिए सामने आना पड़ेगा। यार सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको वतन बदलना है, देश बदलना है, देश की तरक्की चाहिए, तो आपको एजुकेशन में रिफॉर्म करना पड़ेगी, आपको ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगी, आपको अकाउंटेबिलिटी लाना पड़ेगी कि जिम्मेदार कौन है, चाहे वो प्राचार्य हो चाहे टीचर हो, सभी को एजुकेशन के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगी, और ये सिर्फ खाना पूर्ति ना हो जाए। आपको पता है शिक्षा इकलौती ऐसी चीज है जहां पर जाति धर्म नहीं चलता है, शिक्षक होते हैं और बच्चे होते हैं, यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली कोई बात नहीं होती है। मैं बोलता हूं कि इकलौती ऐसी जगह है जहां से पता नहीं, हर बच्चा अगर आप एक देशभक्त पैदा कर सकते हो, देशभक्त का मतलब यह नहीं होता है कि हर बच्चा जाके आर्मी ज्वाइन कर सके या हर बच्चा जाके सिविल सर्विसेज करे या पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, नहीं, मतलब यह होता है कि अच्छे नागरिक हम क्यों नहीं बना रहे हैं। पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है उसमें हमारा 2.5 से 3% आता है, क्यों आता है, मतलब आविष्कारों की मैं बात कर रहा हूं, क्यों, लेकिन हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो क्यों 80% नहीं है, 50% नहीं है? मैं अभी हो क्या आया हूं, इसराइल जैसा एक छोटा सा देश है, 80-81 लाख की पॉपुलेशन है उनकी, पता है आपको, लेकिन
एजुकेशन में आप देखिए उन्होंने क्या तगड़ी एजुकेशन सिस्टम रखा हुआ है। कंपलसरी है वहां पर, अनपढ़ नहीं मिलेंगे आपको। सबसे बड़ी चीज है ना, अनपढ़ लोग बरगलाए जा सकते हैं। क्यों सभी पार्टीज मिलकर एक लॉ नहीं बना सकती? मेरा सवाल ये है, सॉल्यूशन भी है कि सभी पार्टीज को एक साथ आना चाहिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा, किसान का मुद्दा, शराब का मुद्दा, ये मुद्दा वो मुद्दा सब छोड़कर, बेरोजगारी भी छोड़ दो अभी तो, सबसे पहले एजुकेट इतना कर दो कि बच्चे अपना खुद का धंधा चला सके, उनको अपने ऊपर स्वाभिमान तो हो कि हम ठीक है हमें 90% नहीं आए लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, क्यों सब नहीं मिल सकते दोस्त। इसलिए मैं चाहता हूँ एक नया एजुकेशन के लिए पूरा सिस्टम बनाना चाहिए, एक नया लॉ बनना चाहिए, सभी पार्टीज को एक साथ आना चाहिए। जो पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे हुए हैं, आप पेरेंट्स तो हैं, आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते? एज अ पेरेंट सोचिए, आपको सच में अगर वतन से प्यार है ना, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपने संविधान की शपथ ली है, आपने उस तिरंगे की शपथ ली है, और उस तिरंगे के सम्मान के लिए आपको इस देश का भविष्य सुधारना पड़ेगा। एक लॉ बनना चाहिए जिसमें क्लियर कट गाइडलाइंस होना चाहिए कि बच्चों को सिखाया जाए एक अच्छा इंसान कैसे बने, इस देश की अखंडता, इस देश की इंटेग्रिटी को कैसे बना के रखें, इस देश की हार्मनी को कैसे बना के रखें, इस देश के संविधान का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और टू अंडरस्टैंड कंट्री, भारत की विभिन्नता जो है, भारत की अखंडता, एकता, इसके बारे में पढ़ाया जाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस गाइडलाइन में ये होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। उस लॉ में एक चीज बड़ी क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको ये 30 बच्चे दिए गए हैं, आपको इन 30 बच्चों को ये बताएं कम से कम टीचर्स कि इनमें से 30 में से 25 हो सकता कॉमन है लेकिन 5 होंगे जो अलग होंगे, उनको अगर एजुकेशन में अच्छे नहीं है तो क्या है। हमको जब तक एजुकेशन की रिफॉर्म में हम ये चीजें नहीं डालेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। और मुझे लगता है एक बार ये लॉ बन जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाए इस देश के लिए एक निर्णय, तो कुछ अच्छा ले लो यार, आप पर भरोसा करके आपको उधर तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। आपको यह दिखाना चाहिए कि बॉस हम कॉम्प्रोमाइज एक चीज में नहीं कर सकते, जो है इस देश का भविष्य। यही बच्चे कल पेरेंट्स बनेंगे, यही बच्चे आविष्कार करेंगे, यही बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, कॉर्पोरेट्स में जाएंगे, सिविल सर्विसेज में जाएंगे, आर्म्ड फोर्सेस में जाएंगे, अगर अच्छा सिटीजन बनाएंगे पूरा वतन बदलेगा दोस्त। और यही बच्चे हैं जो मेरे देश को आज जिस स्थिति में उससे लाख गुनी बेहतर स्थिति में ला सकते हैं, और इसके लिए सबको मिलकर ना कहीं से एक बार कुर्बानी देना पड़ेगी। मुझे पता है दोस्त, मुझे बोला गया है कि सर आप जब ये वीडियो करेंगे, मेरी रिसर्च टीम है, मेरी टीम ने कहा कि सर आप इस देश के सबसे बड़े एक माफिया से भिड़ने जा रहे हो जो कि है एजुकेशन माफिया। हो सकता है मेरे बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस से निकाल दिया जाए, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने बैठ के निर्णय लिया, हो सकता है इसके बाद मेरे बच्चों की एजुकेशन ना हो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उन स्कूल कॉलेजेस वालों को भी देखना है जहां पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन कुर्बानी मंजूर है, अगर किसी को इस वतन के नाम पर उस बदलाव के लिए कुर्बानी देना है, मेरे बच्चों की एजुकेशन कुर्बान सही दोस्त। लेकिन मैं इस पर बात करूंगा क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक इतने बड़े माफिया के खिलाफ खड़े होने की। धिक्कार लगता है, बड़ी बड़ी मर्दानगी की बातें करते हैं। आप पर भरोसा किया गया था, क्या आपने अपना भरोसा पूरा किया अपने बच्चों को ना दोस्त? ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन जो मैं समझता हूं, हमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन ये है कि बच्चों को ज्ञानी बनाइए, उनको ज्ञान अर्जित करवाइए, ना कि सिर्फ रट्टा मरवा के और सिर्फ उनको सिर्फ कुछ डिग्रियों के लिए। डिग्री के बाद क्या, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ है दोस्त? प्रैक्टिकल नॉलेज, बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, दादा दादी से कैसा व्यवहार करना है, रिश्तेदारों से कैसा करना है, दोस्तों से कैसा करना है, महिलाओं के प्रति सम्मान कैसा रखना है, बूढ़ों के प्रति सम्मान कैसा रखना है, बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या है, आप जो मॉरल वैल्यूज है, जो बेसिक एजुकेशन है, वो क्यों नहीं सिखाई जा रही? मुझे लगता है वही हमारा टारगेट होना चाहिए। मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है, मैं जो देना चाहता हूं ये सॉल्यूशन फाइनल ये है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। बच्चे जो फेल हो जाते हैं दोस्तों, हो सकता है आपके अच्छे नंबर नहीं आए, हो सकता है आप किसी और बात के लिए बने हो, उस अपने ऊपर भरोसा रखना। और कभी आप देखिए हमारे देश में कितनी आत्महत्याएं होती हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे फेल हो गए, वो हैंडल नहीं कर पाते। ये माँ बाप की कहीं ना कहीं फेलियर, अपने बच्चों को बोले बेटा कोई बात नहीं, हो सकता तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, उनके साथ खड़ा होइए और बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि माँ बाप का बुरे वक्त में साथ दे सके। वो तभी देंगे जब अच्छा इंसान बनाओगे। याद रखना, बुढ़ापे में वो बच्चे अक्सर साथ रहते हैं जो भले ही ज्यादा ना पढ़े हो लेकिन जिनकी मॉरल वैल्यूज, जिनके संस्कार अच्छे थे। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को जल्द से जल्द कार मत दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। मैंने हिम्मत की, आप भी हिम्मत कीजिए। मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ हम इस वतन से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यस, देयर आर फ्यू सॉल्यूशंस व्हिच आई एम लाइंड आउट, पॉलिटिशियंस के लिए भी है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी, सबके लिए हम सबको मिलकर जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। और ऐसा है ब्यूरोक्रेट्स की और अधिकारियों की अगर मैं बात करूं, जिस दिन उनको सही आदेश मिल गए, एक दिन लगेगा दोस्त, एक दिन
24 घंटे के अंदर पूरा सिस्टम रिफॉर्म हो सकता है। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है, एक भाई समझ के समझ लीजिए, एक दूसरा पेरेंट आपको ये कह रहा है, आप अपने बच्चों को वक्त दीजिए, उनके साथ बैठिए, सवाल कीजिए। बड़े स्कूल में पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, बड़ी बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है दोस्त। ताजमहल रात को खाली होता है, कुतुब मीनार रात को खाली होती है, चार मीनार के ऊपर कोई रहता नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन आप कर्म ऐसे सिखा दो, अपने कर्म, अपने बच्चों को कर्म प्रधान बनाइए। शंकर दादू ने मुझसे, मेरे जो गुरुजी हैं दादू, ने एक बात कही थी कि मैं हमेशा उसको फॉलो करता हूं कि भारत गणतंत्र बन गया, गणतंत्र नहीं बन पाया। मैं ये कहता हूं कि गणतंत्र के सम्मान तभी हो पाएगा, स्वतंत्रता उस आजादी को हम तभी इज्जत दे पाएंगे, उन क्रांतिकारियों की कुर्बानी को, उन शहीदों की कुर्बानी को, उन सिपाहियों की कुर्बानी को, तब जब हम भारत में हर व्यक्ति को गणतंत्र देखेंगे, उसमें गुणी देखेंगे। कर्म प्रधान बनाइए दोस्त, बच्चों को यह सिखाइए, बेटा अगर पढ़ाई में तुम अच्छा नहीं भी कर पाए तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। एक अच्छा इंसान बनाइए दोस्त, मछली को पेड़ पे चढ़ना मत सिखाइए, और जो शिकारी है ना, शिकारी जो है मतलब जिसकी जो आर्चर है उसको ओलंपिक्स के लिए तैयारी करने दीजिए। एक बच्चे जिसको धूल पसंद है उसको अखाड़े में डाल दो, ये हम पर जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने बच्चे को स्कूल से पहले जानते हैं, स्कूल एजुकेशन बाद में जानती है, पहले आप अपने बच्चे को जानते हैं कि मेरे बच्चे को बचपन से क्या पसंद है। उस बच्चे के लिए ना कभी भी वक्त से बड़ा कुछ मत कर दीजिएगा, पैसा फीस से कुछ नहीं होता, वक्त दीजिए, वरना कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन ना ले ले। और फिर से मैं ये बात कहूंगा कि मुझ में इतनी कुवत थी, मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगाकर, मेरे बच्चे भी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनका फ्यूचर पर्सनल दांव पर लगाकर, क्योंकि मैंने स्वीकार किया है, मैं कुर्बानी देने तैयार हूं अपने बच्चों की एजुकेशन की। लेकिन किसी ना किसी को तो अब ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा, भारत के एजुकेशन माफिया के खिलाफ प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हमने दोनों बता दिए, अब देखते हैं इस पर सत्ताधीश क्या करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। किसानों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, बिजली बचाइए, और अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाइए। और अगर आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप के लिए और अपने वतन के लिए जो कुछ कर सकते हो करो, और जो जिम्मेदारी जिसको मिले वो पूरी जिम्मेदारी पूरी मोहब्बत से पूरी कीजिए। जय हिंद, हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।